Assalamu alaikum dear viewers, this is Muhammad Hashmi and welcome to MS Computer Academy. So guys, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप LMS के ऊपर असाइनमेंट अपनी अपलोड कर सकते हैं. सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको सारा प्रोसीजर जो है वो अच्छे से समझ आ जाए. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको डेली बेस के ऊपर मिलती रहें. तो वक्त से के बगैर चलते हैं आज के टास्क की जाने. तो सबसे पहले आपने LMS को ओपन कर लेना है यहाँ से. और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपके एनरोल सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपने इनमें से किसी एक को ओपन कर लेना है. और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, तो आपने यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है. और यहाँ पे देखें, इसको ड्रैग डाउन करें आप. सो देखें, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इस यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है. सो यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन या यहाँ पे फाइल का ऑप्शन बना हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज फाइल कर लेना है. अब जो आपकी असाइनमेंट पड़ी होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये अपलोड होगी, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है. ये थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और ये प्रोसेस आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये रिपीटेडली जो है ना आपको यूज़ करना पड़ेगा. सो उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है. सो ये आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है. यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जो है वो असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है फॉर स्कोरिंग. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.